नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के माउंटेड गन के बारे में। दरअसल हाल ही में समाप्त हुई महाराष्ट्र MSMA डिफेंस एक्सपो 2024 में भारतीय सेना के माउंटेड गन को लेकर कुछ और जानकारी सामने आई है, जिसे हम आप सभी के सामने ला रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि भारतीय सेना के माउंटेड गन सिस्टम रिक्वायरमेंट में जो पहले दो या तीन दावेदार थे, जिसमें DRDO, भारत फौज कल्याणी ग्रुप और BEML द्वारा निर्मित ATAGS माउंटेड गन सिस्टम को ही इसमें मुख्य तौर पर सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि भारतीय सेना किसी एक सिस्टम के ऊपर न निर्भर रह के डिफरेंट माउंटेड गन सिस्टम को अक्वायर करना चाह रही है। अब इसी के चलते कल्याणी ग्रुप के खुद के जो माउंटेड गन सिस्टम है, जिसे मार्क BR-155 कहा जाता है, जिसे आर्मीनिया ने भी कल्याणी ग्रुप से खरीदा है, उसको मॉडिफाई करके ऑटोमेटिक लोडर को ऐड किया है, जिससे इस गन में मैन्युअली शेल्स और चार्जेस को लोड करने की झंझट खत्म हो जाती है और ये एक बड़ा एडिशन है इस सिस्टम में। और हम हमारे दर्शकों को ये बता दें कि कल्याणी मार्क BR-155 दुनिया का पहला 155mm x 39 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम है। इसकी कुल वजन लगभग 18 टन है, जो बेहद ही हल्का है इस श्रेणी के माउंटेड गन सिस्टम्स की तुलना में, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे इसे किसी भी भूभाग में आसानी से ले जाया जा सकता है, खास करके पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर भारी वाहन को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहाँ ये बड़ी आसानी से चल सकता है। इसकी शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी इसे और घातक बनाती है। इसकी कुल रेंज 30 किलोमीटर की है, जिसे डिफरेंट शेल्स को इस्तेमाल करके बढ़ाया जा सकता है। अब इस संदर्भ में नया एंट्री हुआ है अदानी के माउंटेड गन सिस्टम का। बेसिकली अदानी डिफेंस की तरफ से इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के एटमॉस 2000 माउंटेड गन सिस्टम को ऑफर किया गया है भारतीय सेना के माउंटेड गन सिस्टम के रिक्वायरमेंट के लिए। ये एक 155mm x 52 कैलिबर का गन है, जिसे 6x6 के क्रॉस कंट्री ट्रक शासीस पर माउंट किया गया है। अगर भारतीय सेना इस गन को चुनती है तो इन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में मेक इन इंडिया के तहत अदानी डिफेंस द्वारा बनाया जाएगा। अब ये गन बेहद ही ताकतवर गन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन समस्या ये नहीं है। कुछ इसी तरह का ऑफर टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की तरफ से भी दिया जा चुका है, जिसके तहत उनके एक 8x8 हाई मोबिलिटी ट्रक के ऊपर दक्षिण अफ्रीका की कंपनी डेनेल की 155mm x 52 कैलिबर के टोड आर्टिलरी गन को माउंट किया है और इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में टाटा द्वारा बनाया जाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से इस सिस्टम को लेकर कुछ खास दिलचस्पी दिखाई नहीं गई है। यहाँ पर समस्या ये है कि भारत में ऑलरेडी DRDO, भारत फौज कल्याणी ग्रुप और BEML द्वारा इजरायली एटमॉस 2000 माउंटेड गन सिस्टम के कैटेगरी में ATAGS माउंटेड गन सिस्टम को बनाया जा चुका है और इसका सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी चल रही है, जिसमें इस गन ने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन अदानी द्वारा इस ऑफर के आने के बाद कही भारतीय सेना की तरफ से स्वदेशी ATAGS माउंटेड गन सिस्टम को दरकिनार करते हुए इस इसराइली एटमॉस 2000 माउंटेड गन सिस्टम को पहले ऑर्डर न दे दी जाए, यही चिंता बहुत सारे इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स और डिफेंस लवर्स को सता रही है। लेकिन एक चीज जो इसराइली एटमॉस 2000 माउंटेड गन सिस्टम के खिलाफ जा सकती है, वो है इसका रेंज जो सिर्फ 40 किलोमीटर ही है, वही स्वदेशी ATAGS माउंटेड गन सिस्टम की रेंज 45 किलोमीटर है साधारण शेल्स को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा कुल वजन, रेट ऑफ फायर, मैक्सिमम स्पीड, हर एक क्षेत्र में इसराइली एटमॉस 2000 माउंटेड गन सिस्टम भारतीय ATAGS माउंटेड गन सिस्टम से पीछे है। अब अगर भारतीय सेना स्वदेशी ATAGS माउंटेड गन सिस्टम के साथ एक हल्के वजन वाले माउंटेड गन सिस्टम को अक्वायर करना चाहे, तो उसके हाथ में स्वदेशी कल्याणी मार्क BR-155 का ऑप्शन मौजूद है। वही 155mm x 52 कैलिबर कैटेगरी में भारतीय सेना के हाथ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाए हुए स्वदेशी धनुष माउंटेड गन सिस्टम का ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन डिसीजन भारतीय सेना को लेनी है। अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारतीय सेना को स्वदेशी ATAGS माउंटेड गन सिस्टम के साथ साथ कल्याणी मार्क BR-155 को भी अक्वायर करना चाहिए, और अगर इन दोनों के अलावा एक हल्के 155mm x 52 कैलिबर कैटेगरी के माउंटेड गन सिस्टम की जरूरत पड़े तो धनुष माउंटेड गन सिस्टम को भी अक्वायर करें। लेकिन जो भी हो, हमें किसी विदेशी सिस्टम को अक्वायर नहीं करनी चाहिए,
ताकि हमारे स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और इन सब हथियारों के देश में विकास को और मजबूती दी जा सके, जो अदानी एल्बिट एटमॉस 2000 माउंटेड गन सिस्टम को लेने से नहीं हो सकता। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय सेना के हाथों में अब 5 अलग अलग माउंटेड गन सिस्टम्स का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें 3 पूरी तरह से स्वदेशी है और 2 विदेशी है, जिन्हें भारत में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके बनाने की प्लानिंग है। अब देखने वाली बात है कि भारतीय सेना कौन से माउंटेड गन सिस्टम्स को चुनती है। अब जब रिक्वायरमेंट 814 ऐसे गन्स की है, तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय सेना किसी एक सिस्टम्स को नहीं खरीदेगी, बल्कि 2-3 तरह के सिस्टम्स को खरीदा जा सकता है डिफरेंट टेरिटरीज में ऑपरेशंस के लिए। इस विषय पे आप सभी का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।